और बड़ी खबर जबलपुर से मिल रही है, पूर्व विधायक रामबाई को सजा मिली है, कोर्ट उठने तक सजा मिली है। अन्य आरोपियों पर 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप रामबाई पर लग रहा है। किसानों को भड़काकर जाम कराने का आरोप है। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने बड़ी सजा सुनाई है। बड़ी खबर, पूर्व विधायक रामबाई पर सजा सुनाई गई है। उन्हें शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप रामबाई पर है। किसानों को भड़काकर चक्का जाम कराने का आरोप है। अब ऐसे में एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने रामबाई को सजा सुनाई और उनके साथ ही अन्य आरोपियों पर भी 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो कोर्ट उठने तक की सजा मिली है। जब तक कोर्ट नहीं उठता तब तक रामबाई को वहां पर मौजूद रहना होगा, 500 रुपए जुर्माने के तौर पर भी देना होगा। और ना सिर्फ रामबाई बल्कि उनके साथ इस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों पर भी 500 रुपए का कोर्ट ने जुर्माना लगाया। बता दें कि किसानों को भड़काकर चक्का जाम करवाने का आरोप रामबाई पर लग रहा है। सरकारी काम में बाधा डालने का ये पूरा मामला है और इस पर अब बड़ी कार्रवाई करते हुए एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने रामबाई को ये सजा सुनाई है। हमारे सहयोगी अमित सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, रामबाई को सजा सुनाई गई है, क्या ये पूरा मामला एक बार विस्तार से समझाइएगा। बेशक आपको बताना चाहूंगा कि राम भाई जो है उसको एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी। दिन भर कोर्ट के बाहर बैठने की ये सजा थी जिनको राम भाई को ये सजा जो सुनाई थी। 2018 का ये पूरा मामला है जब राम भाई ने एक मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया था जिसकी वजह से उनपे एक मामला भी जिसकी वजह से उनपे एक मामला कायम हुआ था। ये खरीदी केंद्र में बवाल उपद्रव का ये मामला था जिसके जो रामबाई और अन्य लोगों के खिलाफ जो है दायर हुआ था। उसके बाद इसकी लगातार पेशियां चल रही थी और सजा के रूप में कोर्ट ने उनको रामबाई को जो है एक दिन कोर्ट के बाहर बैठने की जो है सजा सुनाई थी। जी ठीक है अमित, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो कोर्ट उठने तक के लिए रामबाई को ये सजा सुनाई गई है और 500 रुपए का जो जुर्माना है वो भी उन पर लगाया गया है।